आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी के बिगड़ते हालात पर पाकिस्तान राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। बुरहान वानी की मौत के बाद पहले पाकिस्तान में आधिकारिक रूप से काला दिवस मनाया गया और अब उसने मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन और हाल में निर्दोष लोगों की हत्याओं की जांच के लिए कश्मीर में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने की खातिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC से संपर्क किया। क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेट टेररिज्म टू सुप्रेस कश्मीरीज वॉइस फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन। पाकिस्तान हैज देयरफॉर स्ट्रांगली कंडेम्ड द इंडियन ब्रूटैलिटीज इन द IOK एंड द सेम हैज बीन कन्वेड टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। Our response has been welcomed by the appreciated by the UNHRC. The government of Pakistan provided and will continue to provide diplomatic and political and moral support to the people of Jammu and Kashmir for the realization of their right to self-determination in accordance with the UNSC resolution. Pakistan mein manaye gaye Black Day aur Kashmir mudde ko UN mein uthane par Congress sansad Shashi Tharoor ne Pakistan ko karara jawab diya hai. Tharoor ne kaha ki Pakistan mein kafi Black Day cheeze hoti hain. हमारे देश से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। अब अगर कोई छुट्टी मनाना चाहता है तो मना लेने दीजिए, उनकी किसी राय को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।